नमस्कार किशन भाइयों, अगर आप लोगों ने भी औषधीय फसल अश्वगंधा की खेती की है या फिर इसकी खेती करने का आप लोगों का विचार है तो आप लोगों को इसकी सिंचाई करने का सही समय मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को इसकी सिंचाई करने का सही समय नहीं मालूम है तो आपका उत्पादन कम ही नहीं, आपकी पूरी फसल भी जलकर खाक हो सकती है और आपको एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो किशन भाई, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी शेयर करता रहता हूं ताकि हर किशन भाई को इस तरह की जानकारी मिले और वो इस फसल में या किसी भी फसल में, मैं बहुत सी फसलों के बारे में बताता रहता हूं, तो किसी भी फसल में किसान भाई धोखा न खाए और बड़ी सावधानी से वो खेती करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। तो किसान भाई, आज आप लोगों को मैं बताता हूँ इसकी सिंचाई करने का सही समय कब है। तो किसान भाई, आप लोगों को अगर आपने बारिश के मौसम में इसकी खेती की है तो आप लोगों को 9 बजे से पहले पहले, सुबह के 9 बजे से पहले पहले ही इसकी सिंचाई कर देनी है। और सिंचाई आपको कब करनी है? आपको सिंचाई तभी करनी है जब जमीन पूरी तरह से सूख जाए और उसका जो ये पत्ते हैं हल्का हल्का मुरझाने लगे, हल्का हल्का सा जब मुरझाने लगे तभी आपको सिंचाई करनी है, उससे पहले आपको सिंचाई नहीं करनी है। और सुबह के टाइम पर, या तो सुबह 9 बजे से पहले आपको सिंचाई करनी है या फिर शाम को, अगर बरसात का मौसम है और धूप ज़्यादा है तो आपको शाम को 4 या 5 बजे के बाद में, जब धरती जमीन एकदम पूरी तरह से ठंडी हो जाए तभी आपको इसकी सिंचाई करनी है। अगर आप लोगों ने धूप में इसकी सिंचाई कर दी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बिजली आने का टाइम रहता है वो दोपहर में होता है, कई जगहों में ऐसा होता है कि बिजली का टाइम अलग अलग होता है, कई जगहों पर दिन में 12 बजे बिजली आती है और कई जगह पर रात में बिजली आती है। तो आप लोग कई बार क्या गलती करते हैं कि जब भी बिजली आती है आप उसी टाइम पर इसकी सिंचाई कर देते हो। अगर दोपहर में बिजली आ रही है तो आप दोपहर में भी इसकी सिंचाई कर देते हो। तो दोपहर में इसकी सिंचाई करने से जब जमीन एकदम गर्म होती है और इसका पौधा भी एकदम गर्म होता है, तब अगर इसकी सिंचाई आपने कर दी तो आपकी पूरी फसल जल सकती है, पूरी फसल नष्ट हो सकती है और आप लोगों को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आप लोग सिंचाई करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जब हम सिंचाई कर रहे हैं इसकी, तो धूप तो नहीं है, जमीन गर्म तो नहीं है, जब जमीन पूरी तरह से ठंडी हो जाए तभी आप लोगों को इसकी सिंचाई करनी है, अन्यथा आप लोगों को इसकी सिंचाई नहीं करनी है। चाहे बिजली दोपहर में आए चाहे रात में आए, लेकिन आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब तेज धूप पड़ रही हो तो उस समय आपको इसकी सिंचाई नहीं करनी है। धन्यवाद।